आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मई 2023 का जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब तक का, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है मई 2023 का, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है मई 2023 का, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो बैठक है, 27वीं बैठक है, वह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला, किस मंत्रालय ने हरित सागर पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय जो है वह एक नया पहल को शुरू किया है, जिसका नाम है हरित सागर पहल। और वर्तमान में जो बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री है, उनका नाम है श्री सर्वानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश किया है? तो सही उत्तर इसका है उत्तर प्रदेश, जो राज्य है वह पहला राज्य बन गया है जहां बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को पेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला है, किस मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। यह नया योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। और वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वह अनुराग ठाकुर जो है इनके अंदर है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वह टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एआई आधारित चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है गूगल जो कंपनी है वह एक नया चैटबॉट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है बार्ड। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 का। योगी आदित्यनाथ को यह मिला है 2023 में, और नीतीश कुमार को मिला है 2009 में। इसके बाद हर्षली मल्होत्रा को मिला है 2022 में। अगला है, एलएनटी के नए सीएमडी कौन बनेंगे? तो सही उत्तर इसका है एस एन सुब्रमण्यम, इनको शॉर्ट में कहा जाता है एसएनएस। तो यह एलएनटी के नए सीएमडी के रूप में यह पदभार संभालेंगे, और यह 1 अक्टूबर 2023 से यह पदभार संभालेंगे। इसके पहले जो एलएनटी के सीएमडी अभी वर्तमान में है, उनका नाम है एम नाइक, यह गुजरात के हैं एम नाइक, जिनका कार्यकाल खत्म होगा 30 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है रथिंद्र रमन को कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो पोखरण जगह था, वहां 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसी की याद में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, और इसका जो कोड नाम रखा गया था, वह था पोखरण 2। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज, यह पुस्तक का नाम है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर यह है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज। अगला क्वेश्चन, 35वां इंडो थाई समन्वित गश्ती अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है भारत और थाईलैंड के बीच, और इसमें भारतीय नौसेना जो है वह भाग ली थी। इसमें 35वां इंडो थाई समन्वित गश्ती का आयोजन किया गया था भारत और थाईलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? तो सही उत्तर है राजस्थान जो राज्य है वह एक नया शिविर शुरू किया है जिसका नाम है महंगाई राहत शिविर। तो सही उत्तर है इसका राजस्थान। अगला है सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन कावेरी रखा गया है। सूडान से जितने भी नागरिक है भारतीय इनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो सही उत्तर इसका है ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चैट जीपीटी का एक प्रतिद्वंदी गीगा चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है इसे लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है इसका रूस। रूस जो देश है वह एक नया अपना चैटबॉट को लॉन्च किया है जिसका नाम है गीगा चैट और इसे चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है रूस। अगला है आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है टोटल 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। तो सही उत्तर इसका है 5 महिला अधिकारी को। अगला है भारत में पहले केबल स्टे रेल पुल का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अंजी खड्ड पुल। अंजी खड्ड पुल जो है वह भारत में पहले केबल स्टे रेल पुल का यह नाम है। अगला है मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है मिष्टी योजना और इस बजट में यह योजना को लॉन्च किया गया था भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जिसका मुख्य रूप था कि मैंग्रोव को संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है किसे बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र जो राज्य है वह अलग हुआ था बॉम्बे से अलग हुआ था। 2 राज्य एक महाराष्ट्र अलग हुआ था और एक गुजरात अलग हुआ था। तो सही उत्तर इसका महाराष्ट्र दिवस को मनाया जाता है 1 मई को। अगला है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। यह पुस्तक लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान बीच संबंधों समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर है इसे लक्षद्वीप में आयोजन किया गया है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 संबंधों समूह की बैठक आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में। अगला है लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है मारिया स्टेपानोवा जो है वह लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार 2023 इसने जीता है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है अजीत कुमार मोहंती। अगला है आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास AIME 2023 को कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर इसे सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का नाम है AIME 2023। सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंगापुर। अगला है भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? सही उत्तर इसका शिवांगी सिंह जो है वह भारत की पहली महिला राफेल पायलट यह बनी है शिवांगी सिंह। अगला है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति देता है? तो सही उत्तर इसका है अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति देता है अनुच्छेद 142 के तहत। अगला है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इनका है अजय बंगा। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर इसका है भारत की जो रैंक है 160वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। अगला है
मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर इसका है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। सही उत्तर इसका है अमिताभ कांत। अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही उत्तर इसका है कर्नाटक। जो राज्य है वह राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य है वह पहले स्थान पर रहा है। अगला है किस राज्य सरकार ने ताड़ी टैपर्स के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना जो सरकार है वह ताड़ी टैपर्स के लिए बीमा योजना शुरू की है। तो ताड़ी टैपर्स वैसे लोग हैं जो कि ताड़ी उतारते हैं और इसका व्यवसाय यह करते हैं, और इनके लिए अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है इनको, या मृत्यु हो जाती है, या गिर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो जो मृत्यु हो जाएंगे तब उनको 5 लाख रुपए का इन्हें मदद प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो सही उत्तर इसका तेलंगाना जो राज्य है वह ताड़ी टैपर्स के लिए एक नया बीमा योजना को लागू किया है। अगला है 2023 का दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट हैं, और यह वर्तमान में मैनचेस्टर यूनाइटेड के तरफ से खेलते हैं, और यह पुर्तगाल टीम से खेलते हैं, और यह पुर्तगाल के कप्तान हैं। अगला है कौन सी राज्य सरकार एक थीम पार्क जिसका नाम है रामालैंड विकसित करने की योजना बना रही है? तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह एक नया थीम पार्क रामालैंड को विकसित करने की योजना बना रही है, और यह बेस्ड होगा जैसे डिज्नीलैंड है थीम पार्क उसी तरह का यह रामालैंड जो होगा विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है कोल इंडिया के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है कोल्लावरपु मल्लिकार्जुन प्रसाद, यानी पीएम प्रसाद को कोल्ड इंडिया के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इनका है पीएम प्रसाद। अगला है किस कंपनी ने म्यांमार बंदरगाह को 30 मिलियन डॉलर में बेच दिया है? तो सही उत्तर इसका है अदानी पोर्ट जो है वह म्यांमार बंदरगाह को 30 मिलियन डॉलर में यह बेच दिया है। अगला है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है असम में खोला जाएगा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसे असम में खोला जाएगा। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 मई को हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका है 7 मई। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट है इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला है किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप को शुरू किया गया था? तो सही उत्तर इसका कर्नाटक जो राज्य है वह मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप को शुरू किया गया था कर्नाटक जो राज्य है इसके द्वारा। अगला है संजय परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर इसका भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा संजय परियोजना जो है इसको शुरू किया गया है। अगला है ODF प्लस रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो सही उत्तर है वायनाड जो जिला है वह ODF क्या प्लस रैंकिंग में यह जिला जो है वह शीर्ष स्थान पर है। अगला है COP28 जो है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है दुबई में COP28 से इसका आयोजन किया जाएगा। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अगला है बुलंद भारत अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है भारतीय सेना के द्वारा यानी इंडियन आर्मी के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास एवं आयोजन किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फार्मा पार्क का स्थापना किया जाएगा? तो सही उत्तर है इसका ललितपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में वहां पहला फार्मा पार्क का स्थापना किया जाएगा। अगला है दाबकी भूमि बंदरगाह कहाँ स्थित है?
तो सही उत्तर है मेघालय जो राज्य है वहां स्थित है दावकी भूमि बंदरगाह। तो दावकी भूमि बंदरगाह जो है वह मेघालय में यह स्थित है। आपको इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करने में काफी आसानी मिलेगा, तो आप इसे क्विक रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुक का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर इसका है के शैलजा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो है वह के शैलजा के द्वारा लिखा गया है। अगला है युवा 20 कार्यक्रम जो है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ युवा 20 कार्यक्रम जो है वह आयोजित किया जाएगा। तो सही उत्तर इसका है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर है हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण किया जाएगा। और हैदराबाद जो स्थित है वह यह जो तेलंगाना राज्य है उसमें स्थित है हैदराबाद, यहाँ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वह एक नया अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वह स्मृति ईरानी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कितने व्यक्तियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 37 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 37 लोगों में है 8 लोगों को कृति चक्र, 8 लोगों को कृति चक्र मिला है और 29 लोगों को इसमें शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो टोटल 37 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अगला है वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन किसने जीता है? तो सही उत्तर है इसका लियोनेल मेस्सी, जो वर्तमान में अर्जेंटीना के कप्तान है यह लियोनेल मेस्सी। और इन्होंने इस बार का जो विश्व कप आयोजन किया गया था इसमें यह इनका टीम विजयी रहा था। तो सही उत्तर है इसका लियोनेल मेस्सी जो है वह वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन का खिताब अपने नाम किया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे मई 2023 का। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।